नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके क्लासेस में। मैं हूं आयुष रंजन। डेली करंट अफेयर्स में आज हम लोग पिछले 7 दिनों का वीकली करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। यह पिछले 7 दिनों का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह रेलवे ग्रुप डी, UPSC, BPSC सभी के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आइए स्टार्ट करें। वीकली करंट अफेयर्स न्यूज़ में आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया है? उत्तर होगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत और किस देश की सेना के बीच हाल ही में युद्ध अभ्यास नामक अभ्यास आयोजित किया जाएगा? उत्तर है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? उत्तर है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य ने हाल ही में स्कूली शिक्षा में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाने के लिए नीति आयोग के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे? उत्तर होगा जस्टिस यूयू ललित। क्वेश्चन नंबर 6 है, अमेरिका की सीनेट ने हाल ही में किसे नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? उत्तर होगा स्वीडन व फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में जुलाई माह में भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्ति कर्ता कौन बन गया है? उत्तर है रूस। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की कितनी आर्द्र भूमियों को हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है? उत्तर है 10। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्गों के गुणवत्ता परीक्षण के लिए किसे चुना गया है? उत्तर होगा उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा देश 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है? उत्तर होगा भारत। क्वेश्चन नंबर 11 है, पेट्रोलियम सामानों की आपातकालीन आपूर्ति के लिए हाल ही में IOCL ने किस देश के साथ समझौता किया है? उत्तर होगा बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में 3 दिवसीय मौद्रिक नीति का बैठक कहां शुरू हुआ है? तो उत्तर होगा मुंबई। क्वेश्चन नंबर 13 है, पैकेजों की डिलीवरी के लिए हाल ही में किसने भारतीय रेलवे के साथ करार किया है? उत्तर होगा अमेजॉन। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? उत्तर होगा औरंगाबाद। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस राज्य ने चीफ मिनिस्टर इक्वल एडुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट योजना शुरू की है? उत्तर होगा हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में कृषि अवसंचरण कोष के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में ऑयल इंडिया के CMD के रूप में पदभार ग्रहण किया है? उत्तर होगा रणजीत रथ। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में किस राज्य ने $19 अरब के वनस्पति तेल आयात में कटौती के लिए पाम ऑयल पर दावा लगाया है? उत्तर होगा तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 19 है, द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर कौन हाल ही में कहां स्थापित किया जाएगा? उत्तर होगा सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने अटलांटिक महासागर में अभ्यास आयोजित किया है? उत्तर होगा फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 21 है, पिंगाली वेंकैया की 146वीं जयंती कब मनाई गई है? उत्तर होगा 2 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में किसे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम SS 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तर होगा सत्यनारायण मुदयूर।
क्वेश्चन नंबर 23 है, 44वां शतरंज ओलंपियाड हाल ही में किसने जीता है? उत्तर होगा तानिया सचदेव। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में किस राज्य ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू किया है? उत्तर होगा केरल। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसरो हाल ही में धरती की निगरानी के लिए SSLV D1 EOS 02 नामक मिशन कहां से लॉन्च करेगा? उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में आदिपुरम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? उत्तर होगा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस राज्य ने हाल ही में ऑपरेशन मुक्त अभियान फिर से शुरू किया है? उत्तर होगा उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक कौन बनी है? उत्तर होगा मनीषा रोपेटा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया है? उत्तर होगा अगस्त तानो कुआमे। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में चौथे ONGC पैरा गेम्स 2022 का उद्घाटन किसने किया है? उत्तर होगा श्री हरदीप सिंह पुरी। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में मुख्यमंत्री लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है? उत्तर होगा ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल ही में PIB के प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? उत्तर होगा सत्येंद्र प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 33 है, किसे हाल ही में डॉ.सी. नारायण रेड्डी साहित्य राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया गया है? उत्तर होगा प्रतिभा रे। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाल ही में द जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी नामक पुस्तक किसने लिखी है? उत्तर होगा संजय बारू। क्वेश्चन नंबर 35 है, ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर होगा केरल। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल ही में CWG 2022 में युवा वेटलिफ्टर हरजिंदर कौर ने कौन सा पदक जीता है? उत्तर होगा कांस्य। क्वेश्चन नंबर 37 है, किसने हाल ही में गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लेनेट अभियान किसने शुरू किया है? उत्तर होगा WWF। क्वेश्चन नंबर 38 है, महिलाओं के प्रवासन और तस्करी को रोकने के लिए महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 39 है, हाल ही में ITBP के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया है? उत्तर होगा डॉक्टर सुजय लाल। क्वेश्चन नंबर 40 है, आगामी मेक इन ओडिशा सम्मेलन के लिए ओडिशा ने किसके साथ साझेदारी की है? उत्तर होगा FICCI। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाल ही में CWG 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बनी है? उत्तर होगा अनाहत सिंह। क्वेश्चन नंबर 42 है, किसने हाल ही में 2022 हंगेरियन F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है? उत्तर होगा मैक्स वर्स्टपप्पन। क्वेश्चन नंबर 43 है, महिला यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब हाल ही में किसने जीता है? उत्तर होगा इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 44 है, गूगल मैप ने हाल ही में किस देश के साथ स्ट्रीट व्यू सेवा लॉन्च की है? उत्तर होगा भारत। क्वेश्चन नंबर 45 है, हाल ही में कहां चाबहार दिवस सम्मेलन शुरू हुआ है? उत्तर होगा मुंबई। क्वेश्चन नंबर 46 है, युवा वेटलिफ्टर अचिंता सूली ने CWG 2022 में कौन सा पदक जीता है? उत्तर होगा स्वर्ण पदक। क्वेश्चन नंबर 47 है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास विनवैक्स 2022 शुरू हुआ है? उत्तर होगा वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 48 है, दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर हाल ही में किसे नियुक्त हुआ है? तो उत्तर होगा संजय अरोड़ा। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में 7 नए जिले बनाने का फैसला किया है? उत्तर होगा पश्चिम बंगाल।
क्वेश्चन नंबर 50 है, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन बने हैं? उत्तर होगा हिमांशु पाठक। क्वेश्चन नंबर 51 है, हाल ही में किसने स्वास्थ्य पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित कर दिया है? उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा। क्वेश्चन नंबर 52 होगा, किस राज्य ने हाल ही में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ किया है? उत्तर होगा कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 53 है, हाल ही में एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? उत्तर होगा सावित्री जिंदल। क्वेश्चन नंबर 54 है, अखिल भारतीय DLSA बैठक का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? उत्तर होगा नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 55 है, हाल ही में हुई CWG 2022 में मीराबाई चांगू ने कौन सा पदक जीता है? उत्तर होगा स्वर्ण पदक। क्वेश्चन नंबर 56 है, किस राज्य में हाल ही में मिंजर मेला लगाया गया है? उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 57 है, हाल ही में LIC HFL के बोर्ड के अतिरिक्त निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर होगा रवि किशन टक्कर। क्वेश्चन नंबर 58 है, किस देश ने हाल ही में मुद्रा स्फीति से निपटाने के लिए मुद्रा के रूप में सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? उत्तर होगा जिम्बाब्वे। क्वेश्चन नंबर 59 है, हाल ही में आई इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में डिजिटल लेन देन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? उत्तर होगा 51%। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार हाल ही में कितने अरब डॉलर पर पहुंचा है? उत्तर होगा 571। क्वेश्चन नंबर 61 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की है? उत्तर होगा छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 62 है, हाल ही में भारत में 11वीं कृषि संगणना 2021-22 का शुभारंभ किसने किया है? उत्तर होगा नरेंद्र सिंह तोमर। क्वेश्चन नंबर 63 है, किस राज्य ने हाल ही में पहली बार FIDA शतरंज ओलंपियाड में मेजबानी की है? उत्तर होगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 64 है, हाल ही में मनोज पांडे किस देश की यात्रा पर गए थे? उत्तर होगा भूटान। क्वेश्चन नंबर 65 है, वित्त वर्षीय 2022 में भारत में सबसे अधिक FDI के साथ कौन सा शीर्ष पर रहा है? उत्तर होगा सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 66 है, हाल ही में तार के तेल को बढ़ावा देने के लिए भारत और किस देश के इकाइयों ने समझौता किया है? उत्तर होगा मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 67 है, प्रणय वर्मा हाल ही में किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं? उत्तर होगा बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 68 है, हाल ही में दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश की संसद में पेश किया गया है? उत्तर होगा न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 69 है, किस राज्य में हाल ही में किसान लोक पर्व हरेली मनाया गया है? उत्तर होगा छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 70 है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू करने की घोषणा की है? उत्तर होगा झारखंड। इसी तरह की करंट अफेयर्स न्यूज़ के लिए तथा वीकली करंट अफेयर्स न्यूज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं घंटी का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।